तो अकेले झंडा गाड़ के कहीं बिना सरकार के सहारे लड़के ऐसे एसपी पदाधिकारियों को लोकतंत्र में एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो जात पात करके और रविवार को इसके खिलाफ यहां महायुद्ध की तैयारी करी, हम सभा करेंगे। औकात है एसपी को तो आए और मार के पप्पू यादव को दिखा, उस दिन टच कर दिया तो हम रहे। मैं आपको वचन देता हूं, यदि परसों तक मैं कल मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा, कल डीजी से भी मिलेंगे हम, यदि परसों तक यह एसपी निर्देशों पर से, बुजुर्गों पर से, आम लोगों पर से केस नहीं उठाए और ये मोटरसाइकिल नहीं छोड़ा, तो आर पार की लड़ाई होगी और ब्लॉक पर महापंचायत होगा और जन आंदोलन क्या होता है, जन आक्रोश, इसको हम उस दिन दिखाएंगे। और वचन देते हैं ऐसे 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 निरंकुश, ऐसे निरंकुश एसपी को आम आदमी पर रावण बन के जीने का राइट नहीं हो सकता है। इससे बेहतर है मर जाना। यदि आम आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो मेरे जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना बेहतर है, बनिस्पत ऐसे रावणों को पैदा करके आम आदमी को दहशत में जिंदा रखे। मैं हम आपको ना कोई धर्म, मैं हम आए तब हमको पता चला कि एक समाज के कमजोर तबके के लोगों का गांव है, सभी वंचित तबके के लोग हैं, सभी जात धर्म के लोग इस गांव में हैं, और जो घटना उस बच्चे के साथ हुआ है ये जघन है। हमने अभी हमारी पार्टी की तरफ से हम उसको 30,000 रुपया मदद किए हैं, लेकिन घर बनाने के लिए जितनी मदद हो सकता है, मैंने कहा प्रेमचंद जी को कि ईटा लगे, सीमेंट लगे, हम एक मित्र को बोल दिए हैं उसका घर बनाइए और इस परिवार को कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके माँ के हाथ में कि वो कोई रोजगार शुरू कर ले 30,000 में, कोई सब्जी या अंडा का दुकान, ताकि उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी दुखी। हम दुखी है कि जिस तरीके से मेरी माँ बहन को उन्होंने कहा कि पीठ पर कपड़े हमने उघाड़ देंगे तो आश्चर्य होगा, इसका हम लोकसभा में भी इस मामले को मजबूती से उठाएंगे और इस पर हम जरूरत होगा तो जो आईएसआईपीएस का जो जहां पर आचार संहिता का जो मामला दर्ज होता है हम वहां भी जाएंगे और इसके खिलाफ हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको वचन देते हैं, हमें शर्म है, दुखी है कि इस तरीके से हम नहीं जानते थे कि हमारे बुजुर्गों पर लाठी चलाया, माँ बहन पर लाठी चलाया, मेरे बच्चों पर लाठी चलाया और 150-200 का अज्ञात नाम दे दिया 4-10 गांव के। इसलिए लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को हम आर पार लड़ेंगे। हम आपको बता